नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। जब से जम्मू कश्मीर से लद्दाख प्रांत को अलग किया गया है, यूटी बनाया गया है, उसके बाद से वहां पर विकास के कामों में अचानक से तेजी आई है। सरकार भी लद्दाख को लेकर के काफ़ी सजग नज़र आती है और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक कई कार्यक्रम लद्दाख रीजन में किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटते ही केंद्र सरकार सूबे के विकास की गंगा बहाना चाहता है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटते ही केंद्र सरकार सूबे में विकास की गंगा बहाना चाहती है। खासकर लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार काफ़ी सजग नज़र आ रही है। यही वजह है कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की तरफ से लद्दाख में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 20 राज्यों के 150 से अधिक आदिवासी कारीगरों ने शिरकत की। आदि महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा लद्दाख को भरोसा दिलाकर के आए कि लद्दाख के लोगों की तरक्की, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सभी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार संकल्पित है और इसके लिए हर तरह का सहयोग किया जाएगा। आगे अर्जुन मुंडा ने कहा कि हम आपके वजूद, आपकी पहचान और आपकी परंपरा को बचाने आए हैं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद आदि महोत्सव के जरिए कदम बढ़ाते हुए दुनिया में लद्दाख की पहचान बनाना चाहते हैं। इस आदि महोत्सव का यही उद्देश्य है, यहाँ की मिट्टी की महक बनाए रखना। वहीं इस मौके पर लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामयाल ने लद्दाख की उन्नति के लिए केंद्र सरकार से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को शेड्यूल 6 में ट्राइबल एरिया घोषित करने की गुजारिश की है। बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद लेह लद्दाख और केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिलने के बाद यह पहला मौका है जब केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय की ओर से लद्दाख में इतना बड़ा आयोजन किया गया है। लद्दाख की करीब 95% आबादी जनजातीय है, इसलिए तरक्की की सबसे पहली योजना लेकर जनजातीय मंत्रालय यहाँ पहुँचा है। जाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों के बाद एक उम्मीद जगी है लद्दाख के लोगों में कि लद्दाख का विकास तेजी से होगा। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।